सुबह ये लौकी का जूस, लौकी का जूस, लौकी को हमने पूरे देश में प्रसिद्ध किया। अब लौकी का कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लौकी के जूस में जब ये पुदीना डालते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, धनिया और पुदीना साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर है तो नमक डालने की जरूरत नहीं। मैं ये सुबह सुबह गिलोय का काढ़ा पीता हूँ ठंडा करके, और यह जो लौकी का जूस है, ये लौकी का जूस, अब आप देखिए इसका कलर भी देखिए, ये लौकी का जूस है और इसका एक गिलास मैं सुबह पी लेता हूँ ये, और ना मैं एसी का प्रयोग करता हूँ। यहाँ जहाँ तक पंखा भी है तो पंखा भी मैं 1-2 की स्पीड पर चलाता हूँ, ज़्यादा तेज पंखा चलाने से भी शरीर टूटता है और एसी का प्रयोग करने से तो शरीर बेकार हो जाता है। बिजली की सेविंग भी होगी और बिजली की कम खपत होगी तो कोयला कम जलेगा, तो इन्वायरमेंट के, नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमें एसी और तमाम तरह के जो भी कृत्रिम साधन हैं गर्मी से बचने के, वो ठीक नहीं है। और ये लौकी का जूस तो इतना अच्छा है, और इतना स्वादिष्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस है ये तो स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन लौकी का जूस, ये मैंने पूरे देश को रेसिपी बताई है और इसकी अब स्वादिष्ट रेसिपी भी मैंने बता दी है कि खाली लौकी का जूस नहीं, उसमें थोड़ा आप तुलसी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं और साथ में एक नींबू डाल लें। मैं नींबू डाल करके ही पीता हूँ, अब तो ये बना हुआ रख दिया था इन्होंने इसलिए, लेकिन ये ज़बरदस्त है लौकी का जूस। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हाइपरटेंशन को तो क्योर कर देता है, फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और अल्सर के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, पिंपल्स के लिए औषधि है लौकी का जूस। इसलिए लौकी का जूस ये रामबाण औषधि है।